हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे चैनल एवरीथिंग गेमर का दोस्तों सामान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अपने विंडोज़ फ़ोन को एक एंड्रॉयड डिवाइस में बदल सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये ट्रिक लॉन्च हो चुकी है और अब मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपने यूट्यूब चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले विंडोज़ फ़ोन के स्टोर में जाइए। दोस्तों, स्टोर में जाने के बाद अपने मोबाइल आप सर्च में जाइए और वहाँ पर टाइप कीजिए किट किट कैट आइकन का सर्च कर दीजिए। दोस्तों, ये फर्स्ट एप्लीकेशन किट कैट लॉन्चर। दोस्तों, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, ये इंस्टॉल हो चुकी है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया किट कैट लॉन्चर। दोस्तों, आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपको कुछ अपने एड्स वगैरह देगा। तो ये आपको तरीका बता रहा है कि किस तरह आपने इसे करना है। मैं आपको ये भी करके भी दिखाता हूँ, आपको करने आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद आप गॉट इट पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, उसके बाद आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप एक जाइए ऐप्स कॉर्नर में। ऐप्स में जाने के बाद आप यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर किट कैट लॉन्चर को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए, जैसे किट कैट लॉन्चर है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पर ये जो ऑप्शन आप एरो का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, ये देखिए किट कैट लॉन्चर लॉन्च हो चुका है। अब आपका ये विंडोज़ फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन बन चुका है। तो दोस्तों, इसमें सारे वही फीचर्स हैं जो, लेकिन दोस्तों, ये जो आपका प्ले स्टोर है ये स्टोर ही रहेगा, या आपका विंडोज़ वाला फ़ोन का स्टोर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। दोस्तों, ये बिल्कुल असली है और इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। दोस्तों, ये वर्क भी करता है, ये नहीं कि सिर्फ एक पिक्चर है। जैसे अगर आपने फ़ोन पर क्लिक करें, यहाँ पर आप किसी का भी कोई भी नंबर डायल कर दीजिए, जिस तरह कोई ना लीजिए उसे कॉल कर लीजिए, ये आपकी कॉल ही होगी। दोस्तों, ये कोई फेक नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।